करीब 500 वर्षों से अयोध्या और राम मंदिर के खिलाफ साजिश रची जा रही है। 500 वर्ष पहले बाबर के जनरल मीर बाकी ने पहली साजिश की, उसके बाद से साल दर साल श्री राम और उनके मंदिर के अस्तित्व को नकारे जाने की साजिशें हुई। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के अस्तित्व पर मोहर लगाई, लेकिन उसके बाद भी श्री राम मंदिर के खिलाफ साजिशें रुकी नहीं। राम मंदिर के बनने से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती रही। मंदिर निर्माण में पैसों का घोटाला होने की अफवाह फैलाई गई। उसके बाद श्रीराम मंदिर को राजनीतिक पार्टी का मंदिर बताया गया। राम मंदिर के लिए अयोध्या में हटाए गए अतिक्रमण को जनता के साथ अन्याय कहा गया। राम मंदिर से अयोध्या के हालात नहीं बदलेंगे, यह अफवाह फैलाई गई। राम मंदिर बनाए जाने को हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की उपज कहा गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बताया गया। श्री राम के अस्तित्व को नकारने से लेकर के मंदिर बनने के काम में अवरोध पैदा करने तक कई तरह की साजिशें हुई, लेकिन आखिरकार श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे वो अभी रुके नहीं। श्री राम मंदिर में भक्तों के आने से अव्यवस्था फैलने की अफवाह फैलाई गई। श्री राम मंदिर में छत से पानी टपकने की झूठी खबर फैलाई गई। मंदिर के गर्भगृह में पानी भर जाने की अफवाह भी फैलाई गई। सपा उम्मीदवार जीता तो अयोध्या के बहिष्कार की साजिशें हुई। कूड़ा घर से जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल करके कहा गया कि चुनाव खत्म तो मंदिर की जरूरत खत्म हो गई। श्रीराम मंदिर के लिए बनाए गए रास्तों के गड्ढे दिखा करके अयोध्या को खराब हालत में बताया गया। देश में कैसा श्रीराम मंदिर विरोधी गैंग है जो हर मुद्दे को घुमा फिराकर मंदिर पर चोट पहुंचाने की कोशिशें करता है। अयोध्या में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह राम मंदिर हो। देश के कई शहरों में आम समस्याएं हैं, जब अयोध्या में दिखती हैं तो राम मंदिर विरोधी गैंग इसे एंटी राम मंदिर एजेंडा बना देता है। हालांकि पानी टपकने की खबर को श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय गलत बता चुके हैं। अयोध्या के संत भी इस तरह की खबरों पर कोरी अफवाह उसको बताते रहे। बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी राम मंदिर में पानी गर्भगृह में पानी टपकने का, कभी अयोध्या के चारों तरफ सड़कों को दबने का, कभी जल भराव का। ये नाजायज मुद्दों को मत उठाएं। जैसे कि पूर्व की सरकारों में आप लोगों ने सभी लोगों ने जो लोग अयोध्या आए हैं, पूरे विश्व से लोग अयोध्या आते थे, उन लोगों ने सबने देखा है बरसात के सीजन में सभी नालियां ओवरफ्लो होकर के ऊपर आ जाती थी और मंदिर नालियों का पानी मंदिरों में जाता था। आज उससे कई गुना अच्छा कार्य हो रहा है जो कि नाली का पानी अंदर नहीं आ रहा है। Z News.